अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए फास्ट वेट लॉस कॉफ़ी की रेसिपी लेके आई हूँ। कॉफ़ी जो है वो हमारे वेट लॉस में हमारी मदद करती है और हमारा मेटाबॉलिक रेट बूस्ट कर देती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग वेट लॉस के दौरान कॉफ़ी ज़रूर इनटेक करते हैं ताकि उनका वेट जो है वो फास्ट बर्न हो। तो आज जो है ये मैं आप लोगों के लिए एक मज़ेदार सी क्रीमी मैंगो कॉफ़ी लेके आई हूँ। इस कॉफ़ी को बनाने के लिए सबसे पहले आप एक मैंगो लेंगे। अगर आप 2% के लिए बना रहे हैं तो एक मैंगो लेंगे, अगर आप 1% के लिए बना रहे हैं तो हाफ मैंगो लेंगे। उसके बाद आप 1 कप स्किम्ड मिल्क लेंगे या आलमंड मिल्क लेंगे। मैं यहाँ पे आलमंड मिल्क ले रही हूँ। और उसके बाद यहाँ पे 1 टीस्पून मैं कॉफ़ी ले रही हूँ और थोड़ी सी आइस क्यूब्स। अब आपने करना क्या, एक ब्लेंडर में आपने मैंगो डाल देना है और उसके बाद ये मैं यहाँ पे कॉफ़ी डाल रही हूँ। मिल्क, आलमंड मिल्क, आप यहाँ पे स्किम्ड मिल्क भी ले सकते हैं। अगर आप PCOD और थायराइड के पेशेंट हैं तो आप यहाँ पे आलमंड मिल्क ही लें, स्किम्ड मिल्क ना लें। तो यहाँ पे मैंने आइस क्यूब्स भी। अब इसमें मैं 1/2 टीस्पून ब्राउन शुगर डालूंगी। आप चाहें तो हनी थोड़ी सी अमाउंट में डाल सकते हैं और मैपल सिरम भी आप डाल सकते हैं। वैसे मैंगो खुद ही इतने स्वीट होते हैं कि आपको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पहले आप चेक कर लिया करें कि जो मैंगो आपने लिया है वो मीठा है कि नहीं। अब यहाँ पे मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ। अच्छे तरीके से आप ब्लेंड कर लेंगे। अब जो है वो मेरी कॉफ़ी तैयार हो चुकी है। अब मैं बंद कर दूंगी इसे और ग्लास में डालूंगी। मैंने स्टाइलिंग के लिए ये वाला यूज़ किया, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, पीना ही है ना, शौखियाँ तो नहीं मानी। तो देख सकते हैं आप ये कितनी क्रीमी बनी है। मेरी जो है वो क्रीमी मैंगो कॉफ़ी तैयार है। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। ये इतना यम्मी थी ना कि बस मैं क्या कहूँ। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसको आप लंच में इसे पी सकते हैं और ये जो है आपको भूख भी नहीं लगने देगी। ये इतना फिलिंग कॉफ़ी है। आपको मैं आलमंड मिल्क की रेसिपी अगर चाहिए हो तो वो मैं ऊपर मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं कि आलमंड मिल्क घर में कैसे बनाते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।